हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुजीज कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज मैं लेके आई हूँ एक नया वीडियो। ये 2021 का फर्स्ट वीडियो है। ये वीडियो मैंने कल शूट कर लिया था, इंट्रो नहीं शूट कर पाई थी किसी रीज़न की वजह से, सो इंट्रो मैं आज शूट कर रही हूँ। ये वीडियो है सिल्क की साड़ी की ड्रैपिंग स्टाइल का। मैंने एक सिल्क की साड़ी को 3 वे में ड्रैप किया है। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आए। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेक श्योर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो उन लोग के लिए भी हेल्पफुल हो सके। तो चलिए अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। एक चीज़ मैं आप लोग को बताना भूल गई, ये जो वीडियो है ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो कह सकते हो आप, या सजेस्टेड वीडियो, कुछ भी आप कह सकते हो। ये वीडियो एक मेरी एक सब्सक्राइबर है, बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर है, जूही द्विवेदी। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि दी आप अपनी साड़ी की ड्रैपिंग स्टाइल्स हम लोग से शेयर करो, उसका उस पर एक वीडियो बनाओ। तो ये वीडियो उनके लिए, उनके कहने पर मैंने बनाया है। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे। तो ये मेरा फर्स्ट वे है। मैं जब साड़ी ड्रैप करती हूँ तो उसके एज पे कॉर्नर पे ऐसे नॉटिंग कर लेती हूँ, जिससे साड़ी अच्छे से सिक्योर हो जाती है, आपकी साड़ी लूज़ नहीं होती है वहाँ से, वरना अगर ऐसे ना करो तो निकलने लगती है साड़ी आपकी। और फिर उसके बाद जैसे नॉर्मली साड़ी ड्रैप करते हैं, मैंने वैसे ही पल्लू को ऊपर डाल लिया हुआ है और साइड से छोटे छोटे प्लीट्स करके मैं यहाँ पर टक कर रही हूँ। इसको आप पिन की हेल्प से सिक्योर कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर पिन का यूज़ नहीं किया है क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी मतलब स्टाइल चेंज करने थे, इस वजह से आप सिक्योर कर लेना। मैंने छोटे छोटे प्लीट्स करके ऐसे टक कर लिए हैं। उसके बाद नॉर्मल मैंने प्लीट्स बना ली हैं। बॉर्डर जितने चौड़ा मेरा बॉर्डर था उतना चौड़ा मैंने प्लीट बनाया है। आप जिस तरह से बनाना चाहते हो वैसे बना लो। और उसके बाद से मैंने यहाँ पे लूज पल्लू किया हुआ है क्योंकि इस तरह की ड्रैपिंग पे लूज़ पल्लू ज़्यादा अच्छा लगता है, और ऐसे बॉर्डर वाली अगर सिल्क की साड़ियाँ हों तो उस पर ये स्टाइल ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैंने यहाँ पे भी एक पिन लगा लिया नीचे, जिससे वो मेरा अच्छे से सिक्योर हो गया। तो दिस इज माय फर्स्ट लुक। तो ये है मेरा फाइनल लुक स्ट्रैपिंग के साथ। प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग को ये स्टाइलिंग कैसी लगी। दिस इज माय सेकंड लुक। ये सेकंड ट्रैपिंग स्टाइल है। यहाँ पे मैंने जो आगे से पल्लू किया हुआ था उसको मैंने आगे से डाल दिया हुआ है ऐसे करके, और आगे की तरफ से डालने के बाद जो आगे का फैब्रिक आपको जितना प्लीट्स बनाना है उतना आप छोड़ दो, और जितना आपको पल्लू के लिए रखना है आप पीछे डाल सकते हो जितना लंबा आपको पल्लू चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे चौड़े चौड़े प्लीट्स बनाए हैं, जिस तरीके से आप नॉर्मली प्लीट्स बनाते हो उस तरीके से। ऐसे प्लीट्स बनाने के बाद इसको आप प्लीट्स को ऐसे फैला लो अपने कमर तक, ऐसे फैला के प्लीट्स को हाफ मतलब हाफ कमर तक आपकी प्लीट्स ऐसे आनी चाहिए, ऐसे आप फैला लो। आपको जितना स्प्रेड करना है उतनी प्लीट्स बनाओ, उतनी चौड़ाई में आप स्प्रेड करो। छोटे प्लीट्स बनाने हैं छोटे बनाओ, लंबे प्लीट्स बनाने हैं लंबे प्लीट्स बनाओ, ये इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। ये जैसे बंगाली साड़ी की ड्रैपिंग होती है ये कुछ ऐसा ही है, इसमें ऐसे ही पल्लू आगे की तरफ से लेके जाते हैं, बट यहाँ पे मैंने प्लीट्स की स्टाइलिंग चेंज कर दी है। आई होप आप लोग को ये स्टाइलिंग अच्छी लगे। दिस इज़ माय फाइनल लुक। अगर आप लोग को ये स्टाइलिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे लाइक कीजिएगा और बताइएगा कि कौन सी स्टाइलिंग आपको ज़्यादा अच्छी लगे। दिस
इज माई थर्ड एंड लास्ट रैपिंग स्टाइल। ये स्टाइल सेकेंड वाले लुक की तरह ही कुछ है, बट यहाँ पे मैंने प्लेट्स ऊपर पल्लू के प्लेट्स ना करके इसको ओपन पल्लू रखा है, फ्री छोड़ दिया है, और जैसा नॉर्मली टक करते हैं वैसे ही टक करते हुए लेके आई हूँ साड़ियों को आगे। और जैसे प्लीट्स आप बनाते हो नॉर्मल साड़ियों के लिए वैसे ही प्लीट्स बनेगी, बट जैसे उल्टे पल्ले में प्लीट्स उल्टा करके लगाते हैं ना आगे से, तो वैसा ही मैंने कुछ लगाया है, इसको उल्टा कर दिया है। आगे की तरफ से पल्लू लेके आई हूँ, इसको बहुत ही नीट एंड क्लीन वे में अच्छे से आप इसको टक कर लो, एक पिन की हेल्प से सिक्योर कर लो, और पीछे का जो भी पल्लू बचता है उसको आगे की तरफ लेफ्ट साइड लाके मैंने यहाँ पे एक छोटी छोटी प्लीट्स बना के पल्लू के लास्ट कॉर्नर से और यहाँ पे टक कर लिया है। आप इसको चाहो तो ऐसे टाइट करके टक कर सकते हो, चाहो तो लूज छोड़ दो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो दिस इज माय फाइनल लुक। आप लोग को मेरे ये लुक्स कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कमेंट डाउन करके, और कौन सा लुक आपको अच्छा लगा कौन सा नहीं अच्छा लगा ये भी बताइएगा। कुछ अच्छी चीज़ें हैं कुछ बुरी चीज़ें हैं जो भी हैं आप लोग प्लीज़ मेरे से शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ये पहले ही बोल चुकी हूँ, मैं फिर से बोल रही हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।